occupation of the people. So many languages are spoken in the country. Every state has its own beautiful culture. There people live a simple life. So many tourists visit from all over the world. They like and praise my country. Jazakallah khair. Thank you. सरकार मेरी है ना रोब मेरा है ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का शान है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, अल्लाह माफ का है एहसान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, सबका आदर और सम्मान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उसी दिन से आज तक हम सब देशवासी 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा दिन से आज तक हम सब लोग झंडा फहराते हैं और खुशी मनाते हैं और हर जगह झंडा फहराया जाता है। अल्लाह पाक का है एहसान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरी इज्जत मेरी शान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हम सबकी है ये पहचान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, सबका आदर और सम्मान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, महान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हरे भरे खेत और खलिहान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, अल्लाह पाक का है एहसान, मेरा Happy to
ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रिंसिपल टीचर पेरेंट्स गेस्ट एंड माय फ्रेंड्स आई लव माय कंट्री दिस इज माय कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन माय कंट्री इज वेरी गुड इट्स रिवर्स वॉस डेजर्ट डेज एंड मून फार्मिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑन द पीपल द मेन लैंग्वेजेस आर स्पोकन चाहते की बात के हीरे जवाहरात ना चाहते की बात के हीरे जवाहरात ना चाहते की बात के हीरे जवाहरात ना चाहते की बात के है बुलबुले वतन में भालते की बात के है बुलबुले वतन मेरे हालत की बात के
कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है। अब्दुल हमीद जैसे शहादत की बात कर, ये जवाहरात ना कौन से तकदीर देश की, जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, बापू की उस अजीम इबारत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहते की बात कर, जिसने फिरंगियों से कभी दो से तीन की, जिसने फिरंगियों से कभी दो से तीन की, जिसने फिरंगियों से कभी दो से तीन की, टीपू की उस अजीम शहादत हीरे जवाहरात ना चाहते की बात कर, ऐ बुलबुले वतन मेरे हालत की बात कर, ऐ बुलबुले वतन मेरे भारत की बात कर। अपने वतन की आजादी के तौर पर शुक्राने के पूर्व संभाषण पर हमें सामने दिखने को मिला। बहरहाल ये मुबारकबाद के काबिल हैं और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें एजुकेशन यानी तालीम से जिस कदर वालेहाना मोहब्बत हो उतनी ही इसमें ज़्यादा निखार आएगी। हम अपने बच्चों को इन मदारिस में तालीम हासिल करने के लिए मतलब इंट्रेंस दें, दाखिला कराएं और इनकी तरबियत में दें, इंशाल्लाह इनकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखरत भी बेहतर होगी। इसके अंदर मजहबी जज्बा भी बेदार होगा, बिलखसूस कुरान की तालीम आएगी और उसके नक्श कदम पर चलते हुए एक बावकार ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमान हिंदुस्तानी यानी मोहब्बत हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। आम तरीके से तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन जहाँ बेशुमार खूबियाँ हैं उसी के बरक्स बेशुमार खराबियाँ भी दाखिल हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान है दावत इस्लामी का, फैज़ान है अमीर अहलुसुन्नत का। अच्छे अंदाज में मनाने का एक तरीका इस्लामी की जानिब से भी ये मुयस्सर हुआ है, तो हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह खूब खूब अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस मौके से अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ देर में हम लोग तिरंगा रैली भी निकालेंगे और इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में कुछ इलाके से गुजर कर इंशाल्लाह फिर हम लोग वापस अपने मदरसे की तालीम आ जाएंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से और मेरी शान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरी इज्जत मेरी शान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान।
अल्लाह पाक का है एहसान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरी इज्जत मेरी शान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को ऑन करें।